नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातों को आज लेकर के आया हूँ। दोस्तों, कई दिनों से आप देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे कुछ पोस्टर आ रहे होंगे जिसमें मैं भावी विधायक 2022 लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो क्या है ये पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, बचपन से मेरा जो शौक़ था एज ए सेलिब्रिटी, एज ए एक्टर, ये बनना चाहता था मैं। तो उसमें कुछ बाधाएं आई, मैं एक्टिंग लाइन में नहीं जा पाया। बचपन से आर्ट का शौक था, पेंटर, मन में मतलब ये था कि एक बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा। थोड़े बहुत सिंगिंग करता था तो लगा कि मैं सिंगर बन सकता हूँ। समय बीतता गया, जगह बदलती गई, कई सारे बैंक में जॉब, इंश्योरेंस में जॉब, कॉल सेंटर जॉब, मुंबई में जॉब, कई जगह भी गया। बाद में आपके इस यूट्यूब चैनल पर 3 साल से वर्क कर रहा हूँ और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मेहनत है जो आज हमारे चैनल को थोड़ा बहुत जो नाम मिला है वो सर पब्लिक का ही रिस्पॉन्स है, थोड़ी बहुत जो पहचान मिली है। तो मुझे लगा कि इलाहाबाद से लोग राजनीति का शुरुआत करते हैं और कहीं ना कहीं उनको उसमें सफलता मिलती है, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए और फ़ायदा राजनीति से लोगों को पहुंचा सकता हूं। जो लोगों को वहाँ पर पहुँचने में तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को लगता है कि हम गरीब हैं, हम अपनी बातों को मंत्री जी तक नहीं पहुँचा सकते, मुझे लगता है एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। और वो चाहे तो चुनाव जीत भी सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जब मैंने फेसबुक पर देखा मेरे लिए कमेंट आया कि भैया आपको वोट कौन देगा, आपको कोई जानता नहीं है। तो मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है, जानते मुझे सब हैं। वोट मुझे नहीं मिलेगा ये आप कैसे कह सकते हो भाई? जनता के बीच में मैं उनसे अधिक जाता हूँ, हर गांव में भी जा रहा हूँ, चाहे वो पीपल गांव हो, चाहे मुंडेरा हो, चाहे वो साकेत नगर हो, चाहे आपका शहर पश्चिम का जो भी है, आपके हर जगह हर एरिया में से जाता रहता हूँ। मतलब मैं घर पर रहता ही नहीं ज़्यादातर, सुबह 8 बजे होते ही मेरे जो दिनचर्या है मैं अपनी जगह से निकलता हूँ और पूरे मार्केट में वीडियोस बनाता हूँ समाज के लिए जो होती है। आप देख सकते हैं एक तरह से जो जो कमियाँ होती हैं उनकी बातों को लेता हूँ वीडियो के माध्यम से ही सही, लेकिन उसे सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लोगों ने भी कहा भैया अगर आप राजनीति में आते तो हम लोग की बहुत मदद कर सकते हैं, और सिर्फ बातों से ही नहीं, मजबूत पकड़ होगी तो हम लोगों के लिए आसान होगा। क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछली बार कई बार जो विधायक बन चुके हैं, जो सांसद बन चुके हैं, उनसे वो अगर संतुष्ट नहीं हुए हैं तो उनको लगता है कि हमारे बीच का अगर व्यक्ति वहाँ कोई पहुँचता है, कोई पद पे रहेगा तो हम लोग के लिए काम वो अच्छा कर सकता है, एक उम्मीद उनके साथ है। तो इस उम्मीद के साथ मैंने ये प्रण लिया है कि मैं 2022 का चुनाव, विधायकी चुनाव जरूर लड़ूंगा और पर्चा दाखिल करूंगा। तो मैं उन लोगों का अवेयरनेस करना चाहता हूं जिन लोगों के मन में ये भी भ्रम बैठा है कि मैं चुनाव शायद ना लड़ूं, तो ये बिल्कुल भूल जाए। मुझे चुनाव लड़ना है, निश्चित रूप से लड़ना है। 2022 विधायकी के लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ना मेरा किसी से तुलना है और ना मैं किसी से तुलना करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ और सैर पश्चिमी के लिए जो मुझे काम करना है मैं उसे ईमानदारी से कर सकता हूँ। जनता ही हमें बनाएगी और जनता ही हमें बिगाड़ती है। मेरा ये मानना है कि मुझे इस चुनाव को दिल से लड़ना है और आप लोगों की दुआ रही तो ज़रूर जीतूंगा। दूसरी बात, कुछ लोगों के प्रश्न ये भी आए मेरे पास कि आप चुनाव
पहली बार लड़ने जा रहे हैं, मुझे लगता है आपको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगी। तो ऐसे भी गलती ना समझें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं, अभी 2022 काफ़ी दूर है। मेरी भी अपनी काफ़ी तैयारी है, कई पार्टी के नेताओं से मैं मिला हूँ और अभी ये सिलसिला चल रहा है। तो तमाम पार्टियाँ हैं, नई पार्टी भी हैं, जो भी पार्टी से मुझे लड़ना होगा मैं आऊँगा, पार्टी से भी चुनाव शायद लड़ सकता हूँ, और नहीं अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँगा। चुनाव लड़ना मेरा तय है। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर ख़ास तौर से उन लोगों को, जिन लोगों की ये भ्रम है कि एक आम व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब मुझे कहते हैं तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, मैं कमेंट बॉक्स में उन लोगों से जानना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी राय जरूर दें। क्या जो विधायक बना है अब तक, उसके क्या दो आँख की जगह चार आँख हैं, या नाक डबल है, या होंठ ज़्यादा है, या बाल कुछ अलग टाइप के? वो भी एक इंसान है और इंसान ही विधायक बनता है। मैंने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी कई बार बताया है, विधायक बनने के लिए आपको कोई बहुत भारी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी योग्यता आपकी तभी है जब आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। आप एक समाज में एक ऐसे नागरिक हों जिस पे कोई दाग ना हो। आप इसके साथ दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा, लोगों ने ये भी कहा कि आप विधायक कैसे बन सकते हैं, तो मैंने उनको बताया कि दोस्तों मैं अभी हाल में ही जिन जिन जगहों पर गया जहाँ पर उनकी मेन समस्या है, मैंने खास तौर से पीपलगांव, राजरूपपुर, इन सभी जगहों पर देखा है काम पेंडिंग पड़ा है। सरकार द्वारा कुछ काम ऐसे जो भी काम हो रहे थे, अच्छा खासा काम हो रहा था, सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ काम है जो लटके हुए हैं, पेंडिंग काम होते हैं, तो उन सब काम को कैसे करवाया जाएगा, उनकी शिकायत कोई करता नहीं। अभी हरवारा गया था, वहाँ पर भी कुछ लोग बता रहे अभी यहाँ नाली की प्रॉब्लम है, नाले का प्रॉब्लम है, इंटरलॉकिंग का प्रॉब्लम है, सीवर सही से नहीं है। मीरापट्टी, चक मीरापट्टी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाकर के पूरा पानी का भंडारा है, पानी पूरा निकल नहीं रहा सीवर लाइन से। कुछ लोग कहते हैं अभी वहाँ पर कुछ दिन के बाद काम हो जाएगा, स्टार्टिंग हो रहा है। तो ऐसे तमाम जगह हैं, मुझे लगता है दोस्तों कि सरकार आती और जाती रहती है, समस्याओं का निदान एक बार में नहीं होता है। पब्लिक हमेशा जो बाहर के नेता चुनते हैं बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, इसलिए अब जनता समझदार हो चुकी है, उन्हें वोट उन्हें ही करना है जो उनके आसपास रहेंगे और जो उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और विश्वास भी रहेगा कि हाँ ये व्यक्ति हमारा काम करा सकता है। क्योंकि वो आदमी ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के अपना बुझी हो गए और दोबारा वो आए नहीं क्षेत्र में, वोट मांगते हैं कि टाइम में तो लोग जाते हैं जब वोट लेना होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक संपन्न परिवार से बड़े अहदे के रूप में 12 चौधरिया, मतलब क्या बताऊं, इतने बड़े बड़े बातें होती हैं उनकी कि आप बाउंस कर जाएगा। तो वो नेता आपके यहाँ पे आएंगे जहाँ पर वो बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, पढ़ाई साफ सुथरा व्यवस्था रहती है, तो वो हमारी सेवा कैसे करेंगे, उनको धूप लग जाती है, उन्हें एसी चाहिए, ठीक है ना, तो हमें एसी वाला नेता नहीं चाहिए। पब्लिक को आज काम चाहिए, वो चाहे जो भी हो, और पब्लिक को अगर आप उनको संतुष्ट रखेंगे तो आपकी पद और गरिमा दोनों बनी रहती है और आपके पद से कोई हिला भी नहीं सकता है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, वोट मांगने पहुंचे, वोट मिला, चुनाव जीत गए, नेता जी नहीं दिखे दोबारा, पब्लिक गुस्सा होती है। अब उस गुस्से का असर क्या होगा, चेंजेस,
बदलाव। और फिर व्यक्ति नए लोगों को चुनाव करती, चाहे वो पार्टी का हो या बिना पार्टी का हो, वो व्यक्ति जिस भी सिंबल से आएगा उसे जीतना तय है। तो मेरा मानना है दोस्तों, यदि आप नेता हैं, आपने अपने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है, गलती करते आए हुए हैं, तो ऐसा काम ना करिए। और जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि 2022 मेरे लिए बहुत समय है। मुझे जनता के बीच में भी लगातार जाना भी है, और उनके लिए जो काम उन्हें ठान लिया है मैं उसे करके दिखाऊंगा। एक एक व्यक्ति से मुझे मिलना है, चाहे वो जितना भी दूर हो, चाहे वो जितना भी पास में हो, मुझे यहाँ के एक एक लोगों से मिलना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। और कोशिश यही रहेगी उस समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जाए। दोस्तों, ख़ास तौर से जो काम होता है, बड़े स्तर का जो काम लटका रहता है, जिस एरिया में भी सड़क आपने देखा होगा कई सालों से नहीं बनी, सपने देख रहे हैं लोग, तो दोस्तों ऐसा नहीं है उन सड़कों को लेकर के। यहाँ पे खंभे अभी तक नहीं हैं, खंभों का पता नहीं, तो लाइट की बात छोड़िए, वहाँ पर बांस बल्लियों के सारे वहाँ लाइट पहुँची हैं, अंधेरा रहता है, रात में महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है। तो इन सारी समस्याओं के निदान के लिए, दूसरा कई लोगों के जो पेंशन रुके होते हैं, विधवा पेंशन होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, हैंडीकैप्स के जो आते हैं, तो उन सब के जो पैसे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रुकावट होती है, तो उन सब पे भी ध्यान दिया जाएगा। ख़ास तौर से जो जो काम लटके हैं, सरकार द्वारा जो कई योजनाएं आती हैं उनको भी मैंने देखा ईमानदारी से लोग नहीं पूरा करते हैं। अगर ये ऐसा होने लगता तो आज ये नौबत ना आती कि आम आदमी एक चुनाव के नज़रिए से देख लेता अपने आप को विधायक का। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया ये विधायक जी आप जो है बनने का सपना देख रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, मैं सपना विधायक बनने का नहीं देख रहा हूँ, सपना मैं ये देख रहा हूँ कि एक आम आदमी वहाँ तक जाएगा और अपनी समस्या का समाधान करेगा, खुद करेगा। ऐसा नहीं कि कोई अलग से भगवान बन के उतरेगा, सारे विधायक एक न एक दिन उनको भी जाना है, उसके बाद नए विधायक को आना है, ये प्रकृति का नियम है, आना और जाना। तो हम तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, 2022 में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं चाहूँगा हमारी इस वीडियो को देखें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।